चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस किया था, और जो नए बच्चों को हो सकता है समझ में नहीं आया, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पावर डेवलप इन ए रजिस्टर। इसका कुछ फॉर्मूला बताऊंगा, ये ध्यान में रखना है। ये रजिस्टर आर, दिस इज वोल्टेज वी, अब ये वर्ड पता है तुम लोगों को पावर क्या होता है? क्या होता है पावर गायत्री? पावर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड इन जूल्स। गुड, इसने सही बताया, एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड। है ना, पर सेकेंड दैट मीन्स पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी यहां पे डेवलप हो रहा है। सो कहेंगे पावर डेवलप इन दिस रजिस्टर। सो इसमें पावर क्यों डेवलप होगा? बिकॉज करंट है ना, और ये पावर कौन दे रहा है? इनफैक्ट दिस सेल इज सप्लाइंग द पावर। इसके पास कुछ एनर्जी स्टोर है और ये इसमें एनर्जी सप्लाई कर रहा है। जो एनर्जी यहां पर डेवलप हो रहा है दैट इज गोइंग इन टर्म्स ऑफ हीट, दिस इज कन्वर्टिंग इनटू हीट। सो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू हीट एनर्जी। ओके, अब सुनना बच्चों, एक चीज एक फॉर्मूला से बताऊंगा, शायद तुम लोग पता नहीं होगा, ये प्रूफ नहीं कर सकते हैं। अभी 12th में पढ़ोगे कि अगर ये वोल्टेज वी है और अगर सपोज क्यू चार्ज दिया है, क्यू, तो ये कितना वर्क करता है? वर्क या एनर्जी सप्लाई दैट इज क्यू इंटू वी होता है। तो एक फॉर्मूला बता रहा हूं, वर्क डन या एनर्जी सप्लाइड इफ क्यू चार्ज मूव्स अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी, तो इतना वर्क हुआ। ठीक है, तो बैटरी ने कितना एनर्जी सप्लाई करेगा बच्चों? क्यू इंटू वी। लेकिन अगर मैं पूछूं व्हाट इज एनर्जी सप्लाइड पर सेकेंड, तो मान लो ये क्यू चार्ज टी टाइम में गया था, टी टाइम में, तो यूनिट टाइम में कितना जाएगा? क्यू इंटू वी डिवाइड बाय टी। और अगर सपोज अभी हम लोग ले रहे हैं यूनिफॉर्म रेट से जा रहा है, तो क्यू बाई टी को हम लोग क्या कहेंगे? आई करेंट चार्ज पर सेकेंड आई इंटू वी। सो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? वी इंटू आई या आई इंटू वी, एक फॉर्मूला समझ में आया? ये 10th के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, 12th के हिसाब से डिफरेंट होता है। तो ये सारे बच्चे लिख लें, ये पावर बैटरी ने सप्लाई किया और यहां भी पावर आया, लेकिन ये पावर कंज्यूम हो जाएगा। कैसे कंज्यूम होगा, किस फॉर्मेट में कंज्यूम होगा? इन टर्म्स ऑफ हीट। पावर डेवलप्ड इन रजिस्टर, सारे बच्चे लिखेंगे, यहां भी वही लिखेंगे बच्चों, V into I, तो V क्या होगा? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर,
और रेजिस्टर के क्रॉस कितना होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यू नो दैट आई इंटू आर, सो आई इंटू आर इंटू आई, सो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर। और कौन सा फॉर्मूला था, वी इंटू आई, और कोई कह सकता है सर मैं यहां पे ना आई को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, वी रहने देते हैं, आई को लिख सकते हैं वी अपॉन आर, से हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर। सारे बच्चे नोट डाउन करें कि पावर का फॉर्मूला इन ए रजिस्टर क्या क्या होगा, एक फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, या कहेंगे वी स्क्वायर बाय आर, या इसी को कह सकते हैं वी इंटू आई। चलो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इस रेजिस्टर में जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम करंट 5 मिली एम्पियर, फाइंड हीट डेवलप इन 2 मिनट। लेकिन हमने क्या सिखाया था अभी, पावर, पावर कितना कैसे डिफाइन है बच्चों, हीट डेवलप पर सेकेंड, तो हीट डेवलप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम, है ना, इतना कर सकते हो। टाइम टी दैट इज इक्वल टू पावर, एक सेकेंड में है टी टाइम में, इतना हो जाएगा। तो पावर क्या होगा, क्या लिखना प्रीफर करेंगे, आई स्क्वायर आर, आई और आर दिया हुआ है, सो 5 मिली एम्पियर का स्क्वायर इंटू आर 2 ओम इंटू टी, टी 2 मिनट्स। लेकिन क्या इसको मिनट में पुट करें, अगर जूल में आंसर लिखना है, यहां भी मिली एम्पियर है, मिली एम्पियर मीन्स होता है 10 to the power -3, सो इसका स्क्वायर इंटू टू इंटू टू मिनट्स को सेकंड में पुट करेंगे बच्चों, 60 सेकंड 1 मिनट को, है ना, तो ये सारा क्वांटिटी रखोगे तो ये जूल में आ जाएगा, सारे टर्म्स एसआई यूनिट में, सो कितना आ जाएगा चेक इट, 25 into 4 into 60 into 10 to the power -6, सही लिखा, दैट इज इक्वल टू 25 into 4 100 6000, सो 6 into 10 to the power -3 जूल, so can we write 6 mJ, this will be the answer। कितने लोगों का आया ये, बच्चों देयर आर टू रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी एंड पावर डेवलप इन दिस रजिस्टर इज P1, पावर डेवलप इन दिस रजिस्टर इज P2, सो व्हाट विल बी P1 by P2, क्या होगा, ठीक है, दिस इज केस वन, और एक दूसरा केस ले रहा हूं मैं, दिस इज R1, this is R2 and battery is connected in this way, V, यहां पे power suppose second case में P1 dash ले रहा हूं और इसमें P2 dash ले रहा हूं, so what will be this ratio,
बहुत छोटा सा सवाल है, बेसिक सवाल है। बैटरीज कनेक्टेड अक्रॉस दिस टू रजिस्टर, दिस टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसमें पावर डेवलप इज पी वन, इसमें पी टू, पी वन बाय पी टू क्या होगा? इफ वी कंसिडर दिस सर्किट, दिस टू रजिस्टर आर इन पैरेलल, सेकेंड केस, इसमें पावर डेवलप इज पी वन डैश लेट्स, ऑप्शन ए दे रहा हूं आर वन बाई आर टू, ऑप्शन बी आर टू बाई आर वन, ऑप्शन सी आर वन आर टू, ऑप्शन डी रूट आर वन बाई आर टू, ऑप्शन ई रूट आर टू बाई आर वन। तो फर्स्ट केस के लिए कौन सा आंसर है, सेकंड केस के लिए कौन सा आंसर है, ए बी सी डी क्या है? चलो टाइम इज अप, आई होप कि सारे बच्चों ने समझ लिया होगा क्या करना है। बच्चों इसमें पावर डेवलप का फॉर्मूला क्या लिखना प्रीफर करेंगे, विच वन, आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर? आई स्क्वायर आर जो लिखना चाहेंगे आई स्क्वायर आर, रीजन इज कि दोनों में आई सेम है ना। सो अगर आई स्क्वायर आर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर वन अपॉन आई स्क्वायर आर टू, आई सेम सो कैंसिल हो जाएगा आर वन बाई आर टू, सो ए इज करेक्ट। बट इन दिस केस क्या आई स्क्वायर आर वन लिखना, आई स्क्वायर आर लिखना प्रीफर करेंगे या वी स्क्वायर बाई आर या वी इंटू आई स्क्वायर बाई आर? वी स्क्वायर बाई आर, रीजन इज कि दोनों के क्रॉस वोल्टेज सेम है ना, तो यही दिमाग लगाना है। सो इन दिस केस वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला बिकॉज वी इज सेम। बच्चों पी वन डैश हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर वन और P2 डैश में हो जाएगा V स्क्वायर बाई R2, सो इट विल बी R2 अपॉन R1, सो ऑप्शन B विल बी करेक्ट। यहां तक एकदम 100% क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, लेट्स देयर थ्री रजिस्टर ए बी सी, ठीक है ना, और पावर डेवलप इन द रजिस्टर इज पी ए, बी में है पी बी एंड सी में है पी सी। पी ए पी बी एंड पी सी आर पावर डेवलप इन, लिखते जाना इन A, B and C respectively. और मैं कुछ यहां पे लिख रहा हूं, ऐसा ही सवाल मैं टेस्ट में भी पूछूंगा, तो एकदम अच्छे से करना, चूज करेक्ट स्टेटमेंट्स, मोर देन वन ऑप्शन में भी करेक्ट है ना। Let's option A, a smaller they round. First option, PA is equal to PB. Dusra option,
पी ए इज ग्रेटर देन पी बी, सी ऑप्शन, पी बी इज इक्वल टू पी सी, ऑप्शन डी। PB is greater than PC, option E. PB is less than PC, PA is greater than PB plus PC. ये हो जाता है लेट्स की कौन सा ऑप्शन E F करेक्ट। इसमें कौन कौन सा है, विच ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, A B C D E F। एनीवे हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं कि कैसे करें इसको। देखो बच्चों फॉर्मूला तो सबको पता होता है, बट कितना दिमाग लगाते हो उस पर डिपेंड करता है। हमें ए और बी में कंपेयर करना, ए और बी में। कोई मुझे बताए कि इसमें करंट अगर आई है, आई वन है, और इसमें करंट सपोज या आई ए लेता हूं और इसमें आई बी, मुझे कोई बता सकता है कि आई ए और आई बी में क्या रिलेशन है? इज इट इक्वल? सर आई ए इज ग्रेटर देन आई बी। बहुत बढ़िया, आई ए इज ग्रेटर देन आई बी, इतना तो कंफर्म हो। और देखो दोनों का रेजिस्टेंस जो दिया है हमने सेम दिया है, 2 ohm 2 ohm। तो फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, आर तो दोनों का सेम है बट ए का करंट ज्यादा है, सो पी ए विल बी मोर देन पी बी, सो पी ए विल बी मोर देन पी बी, दैट मीन्स बी इज करेक्ट, ए इज रॉन्ग। क्लियर? यस सर। गुड, अब आते हैं बी और सी में कंपैरिजन है, बी एंड सी में। बी एंड सी, तो देखो बच्चों इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला लिखना प्रीफर करेंगे, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में, जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होगा। सो इफ वी हैव टू राइट पी बी, तो हम लोग लिखेंगे वी स्क्वायर अपॉन आर बी, जो भी वी है, वट एवर द वी, आर बी, और पी सी लिखेंगे V स्क्वायर अपॉन आर सी। और एक्चुअली देखो तो V सेम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का इनवर्सली। तो B का रेजिस्टेंस छोटा तो पावर ज्यादा, या यहां से ऑटोमेटिकली आ जाएगा आर सी अपॉन आर बी विच इज 4/2 That is equal to 2. So PB is equal to 2 times of PC आ रहा है कि नहीं? That means इसमें कौन सा correct हो जाएगा? This is wrong. PB is greater than PC. This is correct. तो B and D. तो E wrong हो जाएगा. अब ये कैसे करें? मैं एक काम करता हूं, मैंने इसको एक रजिस्टर अगर मान ले, इफ यू कंसीडर वन रजिस्टर, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, 2 × 4/2 + 4, दैट इज इक्वल टू
4/3। तो इन दोनों को अगर एक रेजिस्टर जैसा ट्रीट करें सो दिस विल हैव रेजिस्टेंस 4/3। अगर एक रेजिस्टर से कर दिया रिप्लेस, अब बताओ ये और ये तो सीरीज में हो जाएगा, करंट सेम रहेगा, तो ज्यादा पावर किसमें होगा, इसमें होगा 4/3 से, बिकॉज 4/3 से ज्यादा रेजिस्टेंस है। That means A में जो पावर है वो दोनों को मिला करके जो आएगा उससे ज्यादा होगा, तो PA will be even more than PA plus PC। So ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये JEE लेवल का था, कैसे कंपेयर कर सकता हूँ। Is it clear to all? Yes, sir. In fact, तुम इन दोनों को देख करके डायरेक्टली बोल सकते थे कि पैरेलल में है, तो जो रिजल्टेंट होता है वो स्मॉलर जो है उससे भी छोटा होता है, स्मॉलर रेजिस्टेंस से भी स्मॉल होता है रिजल्टेंट ऑफ द टू रेजिस्टर इन पैरेलल। ये 100% क्लियर क्या? तो बच्चों इसी पे सवाल कैसे आता है वो बताता हूं। पहले तो हम लोग एक वेटिंग लिखते हैं, रेटिंग ऑफ ए बल्ब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ट्वेल्थ में आओगे तो भी समझाएं पढ़ाएंगे, तो अभी ही पढ़ लो। यस ओम, कुछ कहना भी है क्या? हैंड रेज अभी तक है? नहीं सर। ठीक है। अच्छा, ये जो घर पे बल्ब होता है ना, ये ट्यूबलाइट कोई भी देखोगे तो देयर इज अ रेटिंग गिवन देयर। रेटिंग में एक्चुअली उसका रेजिस्टेंस नहीं लिखा आता, ये लिखा आता है 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। दिस इज द वे इट इज रिटन। तुम अगर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जाओगे ना तो एक्जेक्टली इस टाइप का ही रेटिंग रहता है। इसका मतलब ये हुआ, इफ दिस बल्ब works at this potential, इस potential difference के cross लगाए तो इसका power जो output होगा वो 100 watt होगा। Clear? और power is equal to क्या होता है बच्चों? V square by R। तो इस rating में क्या क्या बताया? Power बताया है, लेकिन वो power हमेशा 100 watt नहीं होगा। वो पावर 100 वाट तब होगा जब वोल्टेज हम 220 वोल्ट तक आएंगे। सो फॉर ए पर्टिकुलर वी देयर विल बी अ पर्टिकुलर पावर। तो ये और ये बता दिया है तो कैन वी से कि ये इनडायरेक्टली रेजिस्टर बताया है। रेजिस्टर का मतलब उसका रेजिस्टेंस बताया इनडायरेक्टली। So there is a bulb A, its rating is 100 watt and 200 volt. कौन बताएगा कि what is resistance of the bulb coil? क्या बात है? अथर्व ने बता भी दिया, अर्णिता चक्रवर्ती बता दी, अक्षदीप ने बता दिया। अरे सर बहुत ही सिंपल सा, आप क्या इजी इजी सवाल पूछ रहे हो? R इज इक्वल टू, सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें तभी मजा आएगा। गायत्री मैंने 200 वोल्ट ही दिया, 200 तूने 220 लिख दिया सर। R इक्वल टू V स्क्वायर बाई P, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं कराता हूं मैं, तो V दे दिया है 200 इंटू 200 डिवाइड बाई पावर इज 100, सो दैट इज 400 ओम। और देखना, ये कॉमन सेंस से कुछ बच्चों को लगता है जो गलत हो जाता है,
अगर दिया कि देयर इज ए बल्ब 60 वाट बल्ब एट 220 वोल्ट हंड्रेड वाट बल्ब एट 220 वोल्ट सो व्हाट इज रेजिस्टर ऑफ 60 वाट और रेजिस्टर ऑफ 100 वाट ऐसे दे दिया तो इसमें क्या रिलेशन लिखो विच वन इज ग्रेटर. अगर तुमने फॉर्मूला नहीं पढ़ाया तो तुम लोग शायद ऐसे लिखना प्रीफर करोगे कि 100 वाट का है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. इज इट करेक्ट? करेक्ट है क्या? आर इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई पी. ग्रेटर द पी लेसर विल बी रेजिस्टेंस बिकॉज रेटिंग जो होता है वो पर्टिकुलर वोल्टेज पे दिया हुआ है. बच्चों ये उल्टा हो जाएगा. करेक्ट आंसर इज आर 60 विल बी ग्रेटर देन 100 वाट आर 100. बच्चों दो बल्ब है, दो आइडेंटिकल बल्ब है, एक का नाम ए दे दिया दूसरे का नाम बी दे दिया. इसका रेटिंग है 200 वोल्ट 100 वॉट. इफ इट इज कनेक्टेड अक्रॉस 200 वोल्ट power supply in series as shown What will be the power of PA? PA क्या होगा? Is it 100 watt? More than 100 watt? कितना होगा पावर? तो मैं ऑप्शंस ले रहा हूं. ऑप्शन ए देखते हैं कौन सा सही बताया था. PA क्या होगा? ऑप्शन ए 100 watt. ऑप्शन बी 50 वॉट. ऑप्शन सी 25 वॉट. ऑप्शन डी 200 वॉट. सही. अच्छा सवाल शायद तुम लोगों को नहीं समझ में आया. सवाल क्या है? ए बल्ब में कितना पावर डेवलप होगा? अभी देखना, अगर ए के क्रॉस 200 वोल्ट होता, 200 वोल्ट होता तो पावर 100 वॉट होता. इज इट 200 वोल्ट? 200 वोल्ट तो इसके क्रॉस है. ये दोनों आइडेंटिकल है, कोई बता सकता है इसके क्रॉस कितना है? 100 वोल्ट. 100 वोल्ट है.
तो पावर इज इक्वल टू, अगर लिखे बच्चों v स्क्वायर बाय r, अगर ये v होता 200 तो पावर होता 100 वॉट, लेकिन v है 100 वॉट, हाफ है जो v होना चाहिए 100 वॉट के लिए उसका हाफ है, तो कैन यू गेस कौन सा सही होगा, जल्दी फास्ट। 50 वॉट नहीं, 25 वॉट स्क्वायर है, 25 वॉट, 25 इज द करेक्ट आंसर, है ना। शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं क्लियर हुआ होगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं, कितना है रेजिस्टेंस, तुमको वैसा रेजिस्टेंस ना अभी अभी तो निकाला था, 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर बाई पी, कितना आया था 400 ओम। अब इस केस में अगर पूछा जाए इस केस में कितना है, तो ये 200 वोल्ट है तो ये कितना हो जाएगा 100 वोल्ट, तो पावर पी डैश ए लिख रहा हूं न्यू केस में कितना होगा, कहोगे सर 100 इंटू 100 वी स्क्वायर बाई 400, है ना, दैट इज 25 वाट। सर 100 कैसे आया, देखो ये दोनों आइडेंटिकल है, तो इसके क्रॉस है 200 तो इसके क्रॉस कितना हो जाएगा 100, इसके क्रॉस 100, है ना। लेकिन कहोगे सर आप तो आइडेंटिकल है तो हाफ ऑफ कर दिया, आइडेंटिकल नहीं होता तो क्या होता, ये क्लियर हुआ क्या 100 क्यों हुआ, और समझाऊं। ये दोनों को मिला के 200 था, चूंकि आइडेंटिकल है सो हाफ हो जाएगा, सिंपल सा। बट अगर आइडेंटिकल नहीं होता, ये सपोज आर ए इसका रेजिस्टेंस होता, इसका रेजिस्टेंस आर बी होता बच्चों, और लेट्स इसका वी नॉट लिख लेता हूं, वी नॉट इज 200 वोल्ट। तो कोई बता सकता था इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होता वी ए, किसी को याद है कि वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, तो VA विल बी RA अपॉन RA प्लस RB, ऐसा कुछ हमने बताया था, 1-2 करके लिखा था, याद है किसी को, हाफ वोल्टेज डिवाइड्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, ये मैंने पहले शुरुआत में ही पढ़ाया था, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क भी कराया होगा फर्स्ट लेक्चर। अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ले रहा हूं कि देयर आर टू बल्ब ए एंड बी, इसका रेटिंग है पी ए पावर इफ इट इज कनेक्टेड अक्रॉस वोल्टेज वी नॉट, इसका पावर है PB इफ इट इज कनेक्टेड अक्रॉस वोल्टेज V नॉट, बट द टू आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द वोल्टेज V नॉट, है ना। इन दैट केस व्हाट विल बी द टोटल पावर आउटपुट P डैश, विच विल बी द P डैश ए न्यू पावर आउटपुट ऑफ दिस प्लस P डैश B, तो ये क्या होगा, और मेरा टारगेट है इन टर्म्स ऑफ पी ए एंड पी बी लिखना है, बड़ा फेमस रिजल्ट है। तुम कहोगे सर अगर पी ए लिखना है पी डैश से, तो क्या जाएगा इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वी ए बाई वी ए स्क्वायर अपॉन आर ए,
और देखो आर ए कैसे लिखेंगे, वी नॉट स्क्वायर अपॉन पी ए, ये फॉर्मूला पता है, आर बी भी पता है, और सीरीज में वोल्टेज कैसे डिवाइड होता है ये भी पता है, इसको लिख लेना। तो वी ए का वैल्यू हमने लिख लिया यहां से, आर ए अपॉन आर ए प्लस आर बी का होल स्क्वायर इंटू वी नॉट स्क्वायर, और ये आर ए, ये फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली पी डैश बी भी लिख दिया, तो यहाँ आर ए है तो यहाँ आर बी हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर दो, पी डैश इज इक्वल टू पी डैश ए प्लस पी डैश बी, कुछ मिल रहा है यहाँ पे? दोनों को ऐड कर दो तो आर ए प्लस आर बी न्यूमरेटर में आ जाएगा, और नीचे में स्क्वायर है तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बच्चों, V नॉट स्क्वायर अपॉन आर ए प्लस आर बी रह जाएगा, एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एम आई राइट? इसको लिख लेता हूं, आर ए प्लस आर बी को इधर लिख लेता हूं, देखना बड़ा अच्छा रिजल्ट ढूंढ रहा हूं मैं, V नॉट स्क्वायर अपॉन P डैश, P डैश इज द न्यू पावर। अब देखना है आर ए और आर बी को, यहां देखो आर ए को ऐसे लिख सकते हैं क्या, V नॉट स्क्वायर बाय पी ए, जो अभी कुछ देर पहले ही लिखा था, आर बी को लिखेंगे वी नॉट स्क्वायर बाई पी बी, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन पी डैश, सो वी नॉट स्क्वायर तो चला जाएगा वन अपॉन पी ए, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, प्लस वन बाई पी बी, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन पी डैश, ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव कर लिया तूने, ये ट्वेल्थ में भी काम आएगा, एनएससीपी में, केवीपीवाई में ये काम आता है, जो नीट में, नीट में तो ये बड़ा फेमस रिजल्ट है, टफ रिजल्ट है, इसके डेरिवेशंस में किसी को दिक्कत हो बताओ, नहीं तो फिर इसमें बेस्ट सवाल करेंगे। अनुष्का, मैंने पूछा ये दोनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है वी नॉट के अक्रॉस, तो टोटल पावर आउटपुट कितना है, पी डैश ए इसमें पावर, पी डैश बी इसमें पावर, तो दोनों का नेट पी डैश लिख दिया है, तो यही हमारा निकालना था टारगेट। ये क्लियर? अब ये अगर कैसे लिखा, ये अगर पूछे तो यहां पे समझा देता हूं, पावर इस कर दूं क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर, सर वो समझा है, वो वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर ए प्लस आर बी, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, वी ए की जगह पे ये यूज कर लिया, हाउ वोल्टेज डिवाइड इन केस ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, ये मैंने पढ़ाया था, अगर इसके सर वो नहीं वो पावर का लिखा है ना राइट साइड में टॉप में, वो ये ना, नहीं सर राइट साइड में टॉप में ये, हाँ सर उसके नीचे V नॉट स्क्वायर अपॉन आर ए प्लस आर बी, ये अरे यार ये दोनों ऐड करो ना, ये पीडीएस से पीडीएस भी ऐड करो, ओके सर ये ऐड करो, तो बताया ना कि आर ए, देखो V नॉट स्क्वायर आर ए प्लस आर बी दोनों में सेम है, तो ऊपर में बच जाएगा आर ए प्लस आर बी और एक स्क्वायर है नीचे कट जाएगा, मैंने बोलते हुए लिखा था। चलो तो सवाल में ले रहा हूं, और ये बड़ा फेमस सवाल है, याद करना कि जब भी तुम्हें कहीं कहीं ये सवाल मिलेगा ही मिलेगा, और तुम याद करोगे सर ने पढ़ाया था, टू बल्ब
having rating 100 watt 220 volt, 60 watt 220 volt, if the two bulbs are connected in series across 220 volt power supply, then net power output क्या होगा? तो मैंने बताया this will be the formula. और इसको ऐसे PDS के टर्म में लिखोगे तो इस फॉर्मेट में आएगा. यू कैन रिमेंबर द रजिस्टर वाला टर्म में मैंने बताया था PDS इज लेस देन PA एज वेल एज PDS इज लेस देन PB. ये ध्यान में भी रखना है. बट हालांकि मैंने तो यहाँ पूछ दिया नेट पावर आउटपुट PDS, तो PA हो जाएगा, एक हो जाएगा 60 × 100/160, है ना? कितना जाएगा ये 25 × 4 हो जाएगा 4 × 75/2 दैट इज 37.5 watt. दैट विल बी द पावर आउटपुट. ये चीज सारे बच्चे ध्यान देना कि जो दोनों को सीरीज में किया तो अगर ये पैरेलल होता, सिर्फ ये होता या सिर्फ ये होता, तो जितना पावर होता किसी एक में, ये दोनों मिला के भी उतना नहीं हो पाता. बच्चों देखना एक सवाल जो जनरली बच्चे मिस करते हैं और तुम्हें किसी न किसी एग्जाम में NTSC KVY इस सब में पूछेगा. दो बल्ब है 100 watt 220 volt, ये रेटिंग दिया हुआ है 60 watt 220 volt. दो बल्ब था और ये दोनों को क्या कर दिया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया. पूछेगा विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर. तो कॉमन सेंस से बच्चे क्या सोचेंगे एग्जाम में, बिना पढ़े चले गए भगवान के नाम लेके, कहेंगे यार कितना आसान सा पूछता है सवाल, 100 वाट का बल्ब है इसलिए ये ज्यादा ब्राइटर ग्लो करेगा. इज इट करेक्ट आंसर? नो नो सर. क्या दोनों इक्वली ब्राइट होगा? कौन ज्यादा ग्लो करेगा ब्राइटर? 60 वॉट. कहोगे सर क्यों? तो अगर मैं पूछूं कि बताओ रेजिस्टेंस किसका है, 100 वॉट का ज्यादा है कि रेजिस्टेंस 60 वॉट का ज्यादा है? कहोगे सर रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1/पावर, क्योंकि सेम वोल्टेज में कंपेयर कर रहे हैं. तो जिसका पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है. जब रेजिस्टेंस ज्यादा एंड द टू आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो इन पर्टिकुलर केस आई इज सेम, सो फॉर द पावर वी विल प्रीफर टू राइट I²R टू कंपेयर दिस बिकॉज आई इज सेम. तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर कंज्यूम ज्यादा, सो पावर ऑफ 60 वॉट विल बी मोर देन पावर ऑफ 100 वॉट. सो 60 वॉट बल्ब विल ग्लो मोर ब्राइटर. बट अगर सवाल दिया रहेगा 100 वॉट 60 वॉट इसे पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा ग्लो ब्राइटर, मतलब विच वन विल ग्लो ब्राइटर इन दिस केस, सो दिस विल बी द आंसर. इज इट क्लियर? Because in this case, voltage is same.